जनपद मुरादाबाद में लॉकडाउन के दौरान डाक विभाग लोगों की सेवा करने के लिए बेहतर काम कर रहा है। यदि आपका खाता किसी भी बैंक में है और आप पैसा निकालना चाह रहे हों तो आधार कार्ड लेके जाइए और उस डाक विभाग से अपने पैसे निकाल लीजिए। साथ ही डाक विभाग ने अपने कुछ कर्मचारियों को ये जिम्मेदारी दी है कि वो घर घर जाकर लोगों को पैसे निकालने के लिए काम करें, जिसका फ़ायदा भी लोगों को पहुंच रहा है और जो लक्ष्य डाक विभाग ने निर्धारित किया था उस लक्ष्य को भी पार कर चुका है। डाक विभाग का ये कहना है कि आने वाले समय में और बेहतर सुविधाएँ देने के लिए डाक विभाग काम करेगा। डाक विभाग के द्वारा आज महा लॉन्गिंग डे मनाते हुए एक दिन में करीब 7,000 लोगों का ट्रांसैक्शन कराया गया। इस अवसर पर पोस्ट मास्टर जनरल ने भी मुरादाबाद के प्रधान डाकघर पहुंच व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के पश्चात डाकघर की सूरत और सीरत दोनों में अमूमल चूल परिवर्तन किया जाएगा। सोमवार को डाक विभाग ने महा लॉन्गिंग डे के रूप में मनाया। विभाग के द्वारा एक दिन में 10,000 लोगों को खाते से भुगतान करने का लक्ष्य रखा गया था, किंतु सर्वर ठप होने के चलते विभाग द्वारा करीब 7,000 लोगों को इसका फायदा मिल चुका। किसी भी बैंक आधार कार्ड के जरिए पेमेंट पाकर खुश नजर आए, इसके लिए डाकियों ने भी जी तोड़ मेहनत की। घर घर जाकर योजना को पूरी करने की जो योजना विभाग द्वारा बनाई गई थी उस पर कार्य हुआ। इस अवसर पर पोस्ट मास्टर जनरल भी मुरादाबाद पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पोस्ट मास्टर जनरल के अनुसार विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 में अच्छा कार्य किया जा रहा है। जरूरी आपूर्ति के आर्टिकल्स को त्वरित रूप में यूजर के पास पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान कर्मचारियों की सेफ्टी को भी ध्यान में रखा जा रहा है। पोस्ट मास्टर जनरल ने मुरादाबाद के प्रधान डाकघर की बिल्डिंग का मुआयना भी किया और जल्द लॉकडाउन के पश्चात प्रधान डाकघर की सूरत बदलने की बात कही। साथ ही साथ जल्द ही इंटरनेट बैंकिंग की तरफ भी डाक विभाग के कदम बढ़ने वाले हैं, इस पर भी प्रकाश डाला गया। कोविड-19 के दौरान मैं यहाँ विशेष रूप से यह देखने आया था कि हमारे पोस्ट ऑफिस जनता के लिए उनकी अपेक्षाओं पर किस तरह काम कर रहे हैं। और आज एक हम लोगों ने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का महा लॉगिन डे रखा हुआ था, उसका भी प्रगति देखने के लिए कि कैसे हमारे लोग काम कर रहे हैं। और उस देखा गया कि उसमें प्रगति अच्छी है, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत सारी संख्या में ट्रांजेक्शन, करीब 5,000 से ऊपर ट्रांजेक्शन हो चुके हैं अब तक मुरादाबाद मंडल में। एक और उद्देश्य था कि भवन हमारा थोड़ा काफ़ी पुराना हो गया है, मुख्य प्रधान डाकघर का भवन, उसको मेरे साथ सहायक अभियंता हैं उनको लाया था कि साथ में इसको देखें कि हम इस भवन में कितना सुधार कर सकते हैं और क्या सुधार की आवश्यकता है। इन्हीं मुख्य उद्देश्य आने का यही था। हम लोगों ने भारत सरकार से प्राप्त सभी दिशा निर्देशों को सभी कर्मचारियों तक प्रसारित किया है। अपने प्रवर अधीक्षक, अधीक्षक डाक मंडलों को निर्देश दिया है कि हमारे प्रत्येक कर्मचारी को मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइज़र उपलब्ध कराया जाए तथा कार्यालयों में काम करते समय या जनता से संपर्क में आते समय वो हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और प्रत्येक ट्रांजैक्शन के समय ये इंश्योर करें कि उनकी मशीन सैनिटाइज की जा रही है और कर्मचारियों जनता के साथ एक निश्चित दूरी के साथ ही कार्य किया जा रहा है। अगर आप पिछले लॉकडाउन के पीरियड के आंकड़ों की स्टडी करें या हमारे कार्यप्रणाली की निगरानी करें तो पाएंगे कि हमारे पोस्टमैन वो लगातार कार्य कर रहे हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो और चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। और जो भी आर्टिकल्स आए हैं, चाहे वो पत्र हों या विशेष रूप से दवाइयाँ हों, उनका त्वरित निस्तारण कराया गया है विशेष ध्यान दे करके। उनको डाकघर में या RMS रेल डाक सेवा में प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर ही और डाकघर में प्राप्त होने के उसी दिन, प्राप्त होने के दिन ही किसी भी हालत में उनको डिलीवर कराया जा रहा है। और पैकेट से, यदि पैकेट्स पर लिखा हुआ है कि इसमें आवश्यक दवाइयां हैं तो उन पर विशेष निगरानी। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू है। अपने सभी जनता अपने डाकघर के खातों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से लिंक करके डाकघर के पैसे को उस अकाउंट में ले जा करके किसी भी तरह की इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकती है, चाहे RTGS हो, चाहे NEFT हो या किसी तरह के बिल पेमेंट की सुविधा हो, बिजली का बिल एक्सेट्रा, वो सब उसमें से हो सकता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के खातों में भी इंटर ऑपरेटेबिलिटी की सुविधा भारत सरकार RBI द्वारा प्रदान कर दी गई है, शीघ्र वो भी चालू हो जाएगी, तब हम इंटरनेट बैंकिंग का पूरा इस्तेमाल डाक विभाग के खातों से भी कर पाएंगे।